अभी हम लोग डिप्थीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जितने भी डिजीज हमने पढ़ा है वो सारे वायरल डिजीज थे। नाउ डिप्थीरिया इज डीपर बिकॉज ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स के कारण होता है। तो इससे पहले हम एक फिगर शेयर करते हैं, तो वहां देखिए। ओके लुक हियर, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा थ्रॉट है मेनली, जहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, तो वहाँ पे एक फॉल्स लेयर बना देता है, एक काफी बड़ा लेयर बना देता है। ये व्हाइट व्हाइट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि फॉल्स लेयर ये पूरा एक्सटेंड हो जाता है हमारे पूरे फुल थ्रॉट तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो उस वक्त काफी डिफिकल्टीज हो जाती है हमारे लिए। तो ये यहीं पे सेम चीज है, डिप्थीरिया यहाँ पे यही चीज होता है कि एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाते हैं हमारे थ्रॉट में, और वो काफी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमको कोई भी खाना खाने में, इवन ड्रिंकिंग वाटर और ब्रीथिंग में। तो अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे ब्लड तक भी पहुंच जाते हैं, यहाँ से होते हुए हमारे ब्लड तक पहुंच जाते हैं, हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, हमारे टॉन्सिल्स को इफेक्ट करते हैं। चूंकि ये बैक्टीरिया बैक्टीरियल से होता है, तो कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरी इसका काउजेटिव एजेंट है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैलता है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैलता है। कोई भी सर्फेसिस अगर वो कॉन्टेमिनेटेड हो बैक्टेरियल से, दैट इज कॉर्नी बैक्टेरियल बैक्टेरियल से, तो उससे आपको बीमारी हो सकता है। सिम्टम्स क्या है कि पहला तो फॉल्स मेम्ब्रेन, जो ग्रे कलर का मेम्ब्रेन आपके थ्रॉट और टॉन्सिल्स में बन रहा है। दूसरा, उसके फॉल्स मेम्ब्रेन से आपकी आवाज जो है वो भारी भरकम हो जाती है, हमारे ग्लैंड्स जो नेक के पास है वो स्वेलन हो जाते हैं, डिफिकल्टी होने लग जाते हैं हमें ब्रीथ करने में। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लेते हैं, जो कि ये बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स के कारण होते हैं, तो हम लोग एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लेते हैं। दूसरा, हम खुद को इम्यूनाइज करते हैं डीपीटी वैक्सीन से। डीपीटी वैक्सीन क्या है कि डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टेटनस के लिए कॉमन वैक्सीन है, तो हम इससे खुद को इम्यूनाइज करते हैं। दूसरा, जितने भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको आइसोलेट करते हैं। इलनेस के दौरान हम पीपल को मीटिंग्स से बचते हैं, तो नॉर्मली और जितने भी प्रिवेंटिव चीज हैं तो उससे आप बच सकते हैं। और एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन के अलावा, चूंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है और हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स है, तो हम बहुत सारा एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, सच एज एथ्रोमाइसिन, पेंसिलिन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हुपिंग कफ। तो हुपिंग कफ क्या है कि काइंड ऑफ कफ जिसमें बहुत हुप की आवाज आए, बहुत हैकिंग कफ जो बहुत हाई पिच इनटेक ऑफ ब्रीथ के साथ हुप जैसा आवाज करता हो, उसको हुपिंग कफ बोलते हैं। अनदर लैंग्वेज इट इज आल्सो नोन एज पर्टुसिस। तो अभी जो है ये क्या होता है कि बॉडी टीला पर्टुसिस के कारण होता है, इंक्यूबेशन स्प्रेड इसका नॉर्मली 7 to 10 days। अब यहाँ पे हमारा नेजल कंजेशन होने लग जाता है, वाटरी आईज, हमेशा आंख से पानी निकलते रहता है, फीवर, मलाइज, कभी कभी खांसते खांसते हमें टेंडेंसी हो जाती है कि वॉमिटिंग होने लग जाता है, और ये काफी सीवियर हो जाता है ड्यूरिंग नाइट, रात में बहुत ज्यादा ये ज्यादा सीवियर होने लग जाता है। और इसकी क्या है कि स्नीचिंग और कफिंग से बहुत तेजी के साथ फैलता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कफ होने लग जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट हम कफ प्रिपरेशन से करते हैं। दूसरा, ये बैक्टीरियल डिजीज है तो हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस मेनली क्या है, ये भी तीनों अभी हमने जो भी पढ़ा डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस, ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहाँ पे ये भी काफी कॉन्टेजियस इन्फेक्शन और ये क्रॉनिक टाइप का डिजीज है, ये इंस्टेंट हमें नहीं होता, इसको होने में काफी समय लगता है और ठीक होने में भी कुछ समय लगता है, तो ये क्रॉनिक डिजीज के कैटेगरी में रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स, एक मिनट में एक वीडियो शेयर करती हूँ, इमेजेस दिखाती हूँ, सॉरी। तो आप देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस काफी ज्यादा लंग्स इंफेक्टेड हो जाते हैं। ये नॉर्मल लंग्स नहीं है, नॉर्मल लंग्स काफी हेल्दी है, जैसे ये हेल्दी लंग्स है और ये काफी ये सारे के लंग्स है। तो इसमें मेनली क्या है, ट्यूबरक्लोसिस में हमारे लंग्स, हमारे एल्वियोला ये काफी डिस्ट्रक्ट होते हैं, और ये किसके कारण होते हैं, ट्यूबरकल बैक्टीरिया के कारण। तो अब ये जो टीबी है ये भी काफी वर्ल्ड वाइड डेथ का कारण है, टॉप 10 में ये डिजीज आता है एज लाइक कैंसर, इसमें मरने वालों की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो अब ये जो टाइप्स है ये दो तरह का टीबी होता है, एक लेटेंट और एक एक्टिव। लेटेंट में क्या होता है कि वो सिम्टम्स अभी दिखना नहीं शुरू होता है, वो बाद में, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर भी तो वो बाद में होता है, उसमें कोई सिम्टम्स भी दिखता है, ये सिम्टोमेटिक होता है।
और एक्टिव में क्या होता है कि आपके बॉडी में सिम्टम्स एंड साइंस दोनों होते हैं और करंट स्टेट में आप टीबी से ग्रसित होते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये लंबा समय तक इसका सिम्टम्स हमको नहीं दिखता, काइंड ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है और ट्रांसमिशन का मोर एयर बोर्न डिसऑर्डर्स है, मेनली स्नीजिंग कफिंग के कारण हो सकता है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टच के कारण हो सकता है। सिम्टम्स बोले तो अगर आपका कफ 3 वीक्स एंड मोर नहीं ठीक हो रहा है तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। मे बी वो कन्वर्ट हो सकता है चीवर क्लासेस में, या कफिंग के दौरान ब्लड आ रहा हो, बलगम में आपके ब्लड आ रहा हो, चेस्ट पेन, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा हो, काफी अनइंटेंशनल वेट लूज हो रहा हो, तो ये सब सिम्टम्स हैं चीवर क्लासेस के। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स प्रेफर करते हैं। तो मैंने एक और क्या चीज़ है एंटीबायोटिक्स के बारे में कि वो कुछ दिन लेने के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी रेसिस्ट करने लग जाता है एंटीबायोटिक्स। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, या तो एंटीबायोटिक की डोजेस बढ़ा देते हैं या एंटीबायोटिक को बदल देते हैं, या दूसरा क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशनल थेरापी का यूज करते हैं। तो प्रिवेंशन करने के लिए क्या करते हैं कि जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए डिजीज तो उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। ओवर क्राउडिंग एरिया में हम ना जाएं, BCG का वैक्सीनेशन ले ले हम, और इस टाइप से हम ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं।